हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो इस सेशन में हम लोग जो है 2022 के एक बच्चे का इंटरव्यू लेने वाले हैं जिसकी ऑल इंडिया रैंक 10 है। ठीक है, और बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि अंडर 10 आना एक जो है सपना होता है हर बच्चे का कि हमें NIT में रैंक जो है अंडर 10 लानी है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर प्रसन्नजीत कर्माकर से। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन प्रसन्नजीत जी कि आप जो है टॉप 10 में आ पाए हैं। और सारे बच्चों का ये ड्रीम होता है कि हम अंडर 10 किसी तरीके से रैंक ला पाए। तो हम लोग समझेंगे इसमें आपकी जर्नी क्या रही। पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपने BCA किया है या BSc किया है, और कैसे आपको पता चला कि NIMCET भी कोई एग्जाम होता है। गुड इवनिंग सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रसन्नजीत कर्मकार है, मैं रांची झारखंड से हूँ। मैंने अपने BCA सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से किया है, और मुझे ऐसे पहले से ही पता था MCA के बारे में, पर मैंने सेकेंड ईयर में मुझे पता चला कि NIMCET जैसी कोई एग्जाम भी होती है और NIT में भी MCA होता है। और एक एट द बैक ऑफ द माइंड सबका रहता ही है कि NIT या IIT से कभी कुछ कोर्स करे, एक बूस्ट करने के लिए रहता है। बस जब जाना कि MCA भी होता है तो बस उसके तैयारी के लिए लग गए। अच्छा, उसकी तैयारी के लिए लग गए। तो ये आपका अपेयरिंग ही था? यस सर, मैंने अपेयरिंग में तो बहुत सारे बच्चे ये डाउट में रहते हैं कि अपेयरिंग में जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकलता है। ठीक है, 2 साल लगाने पड़ते हैं, 1 साल लगाने पड़ते हैं, ड्रॉप लेना कंपलसरी है। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर, NIMCET ऐसी कोई टफ एग्जाम नहीं होती है IIT एडवांस जैसे। इसमें मेन बेसिक कॉन्सेप्ट और डेप्थ मांगती है थोड़ी बहुत, जो कि 1 साल या 1.5 साल में आराम से हो जाती है। क्योंकि जो AIR 1 थी वो भी अपेयरिंग का ही बच्चा है, और आपका भी जो है वो अपेयरिंग ही है। तो मतलब जो एक मिथ रहता है ना बच्चों में कि नहीं, 1 साल हमें ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, या बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसा बोल देते हैं कि नहीं, आपको जो है पूरी प्रिपरेशन करोगे, 1 साल ड्रॉप लोगे तब अच्छी रैंक निकलेगी। तो ये मतलब आप कह सकते हो कि अपेयरिंग में ही बेस्ट रैंक निकाल सकते हो। जी सर। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी जर्नी क्या रही, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, और आपको लगता था कि हम NIT पहुँचेंगे और कैसे पहुँचेंगे? सर, पहले तो मेरे पापा एक छोटे से बिजनेसमैन है, उनका होटल है, और मेरे भैया भी वो इंजीनियरिंग करते हैं, तो मुझे पहले से पता था कि CS जैसा कोई एक ब्रांच भी होता है और वहाँ पर प्लेसमेंट अच्छी होती है। अच्छा, पर एक बात था कि 11-12 में कभी मुझे IIT करने का मन नहीं था, पर जब मैंने BCA का ऑप्शन लिया उसके बाद मैंने फर्दर करियर चेक किया तो देखा कि MCA एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इससे NIT अच्छे अच्छे NIT में एडमिशन होती है, वहाँ पे प्लेसमेंट भी अच्छी आती है, इसलिए मैंने NIMCET के लिए अच्छा, सोचा और तो उस कैसे पर पता चला किया। आपको एस्पायर स्टडी के बारे में? सर, मैं YouTube में चेक करता था अलग अलग कंटेंट के लिए, एक MCA के NIMCET के लिए तैयारी कर ही रहा था तो चेक करता रहता था, आपके वीडियो मुझे मिलते थे, और मैंने जब भी देखा है आपके वीडियो मुझे स्टार्टिंग से ही पसंद आया, क्योंकि सर आप मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करते थे, हमेशा बोलते थे कि रटना नहीं है कोई क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा भी डेटा चेंज हो जाए तो फिर कोई फायदा नहीं है, अगर तुम कॉन्सेप्ट जान गए तो तुम थोड़ा कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज कर दे पर तुम उसे बना पाओ। अच्छा, और जो आप पढ़ते थे वो पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या रहती थी कि जैसे हमें कितना टाइम मैथ पे देना है, लॉजिकल पे देना है, कंप्यूटर पे देना है? ठीक है, तो इसकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी, क्योंकि जो आगे बच्चे देखेंगे वो भी जाने इस बात को कि कैसे जो है वो टॉपर्स प्रिपेयर करते हैं। सर सच बताऊं तो मैं सबसे ज्यादा फोकस किया था मैथ पे ही। स्टार्टिंग के मैंने 5 या 6 महीने बस मैथ्स में ही सिलेबस कंप्लीट किया था। मैं हमेशा ये करता था कि पहले थ्योरी देख लेता था हर चैप्टर्स के, उसके बाद RD समा बना लेता था, जिससे कि वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाते थे। उसके बाद मैंने कंप्यूटर 2-3 महीने देखे थे, बेसिक KMaps ये सब देख लिया था, और लास्ट के 4-5 महीने बस मैंने टेस्ट दिए और अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया बस। अच्छा, कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया। तो जैसे अभी आप बता रहे थे CT की क्लास जो हमने सारी देखी है और सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
सर सीटीक्यू से मुझे बहुत मदद हुई, क्योंकि जो सर जैसे ये होता है कि आप स्टार्टिंग में जो चैप्टर पढ़े हो और लास्ट में जब आप 12th के लास्ट चैप्टर एसओटी प्रोबेबिलिटी सब पहुंचते हो, तो आप पुराने बाकी सब भूलने, कुछ कुछ टॉपिक भूल जाते हो, कुछ कुछ याद रहते हैं पर हर चीज तो याद नहीं रहता किसी, तो आपके सीटीक्यू हर कॉन्सेप्ट को याद दिलाते थे, वो भी थ्रू क्वेश्चन वाइज कि हाँ हमें कहाँ पे क्या अप्लाई करना है, क्या कहाँ पे क्या यूज करना है। कैसे देखेंगे कि तो किस क्वेश्चन में कौन चीज लगनी है। जी सर अच्छा इससे अच्छा बहुत मदद मिला सर। अच्छा तो अब बात करते हैं हम लोग कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपने कितनी रैंक एक्सपेक्ट की थी। आपने एक्सपेक्ट किया था कि 10 हमारी AIR आएगी। सर मैंने तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, बस मैं चाहता था कि बस मुझे तृतीय सुरक्षण मिल जाए किसी तरह, ये कभी नहीं सोचा जाएगा कि ऑल इंडिया रैंक 10 आएगी सर। 10 आएगी। वैसे जब हमने आपका स्कोर पूछा था शुरुआत में तो हमने कहा था कि जो है 50 के अंदर तो आपकी रैंक है ही है, आपको याद है। जी सर आपने बोला था कि तृतीय तो फिक्स है। हाँ ठीक है। तो अब चलो ये पढ़ाई की बात हो गई, तो जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। जैसे किसी ने तैयारी करना शुरू किया तो स्टार्टिंग में जाहिर सी बात है सबसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो आप जब शुरू किए थे तो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाते थे कि आप उसमें मतलब दिमाग लगा करके उससे परेशान होके किताब चार पलट के फिर आप सोल्यूशन देख के समझने की कोशिश करते थे। क्या सिनेरियो रहता होगा आपका। सर ऐसा तो किसी से नहीं होता, वो तो टॉपर से भी वही हाल होता है कि हर क्वेश्चन पे फर्स्ट बार में किसी पे नहीं चमकता, ये होता है कि ट्राई करते रहते थे, कुछ अलग दिमाग लगाते थे हर क्वेश्चन में कि चलो इससे नहीं बना तो शायद इससे बन जाए, और जब किसी से नहीं होता तो सॉल्यूशन देख लेते थे, फिर समझते थे कि हाँ सॉल्यूशन ऐसा क्यों हुआ है, बस इसी क्वेश्चन में ऐसा क्यों सोचा इसमें। अच्छा मतलब अभी आप कह रहे हैं कि जो टॉपर हैं वो भी ऐसा नहीं करते, लेकिन आप बोल रहे हो कि अब टॉपर आप हो चुके हो। नहीं सर मैं तो टॉपर नहीं हूँ। अच्छा। और जैसे टेस्ट जब आप पेपर अपेयर करते थे, जैसे आपने पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, कंप्लीट करने के बाद टेस्ट आप जब दे रहे हो तो एस्पायर का टेस्ट थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि लेवल रहता है उनका, ठीक है। तो जब आप उन पेपर को देते थे तो आपको कैसा फील होता था, कितने नंबर लगभग आपके आते थे। सर जब मैं वेबसाइट वाले देता था तो उसमें लगभग 600+ आते थे, किसी किसी में 700+ भी आए, पर किसी किसी में जब 400+ आ जाते थे तो फिर पूरा डिमोटिवेशन लगता था, जब दिखाता था कि 200 रैंक है, 300 रैंक है, फिर तृतीय तो फिर सपना ही रह जाता था उस टाइम। तो और ऐप वाले जो मंथन टेस्ट होते थे उसमें मेरे कम आते थे कम आते थे। उस हाँ वो सब सर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लगता था कि हाँ ये ऐसे रहते अच्छा कभी इस बात ज्यादा। से नर्वस नहीं होते थे कि कहीं तुम सुनते होगे कि एस्पायर वाले जो है बहुत डिफिकल्ट पेपर बनाते हैं, इतना डिफिकल्ट पेपर में आता नहीं है, तो इसको सुन करके कभी कभी लगता होगा नहीं हम इजी क्वेश्चन ही सॉल्व करें। सर लगता तो था पर एक था कि वो क्वेश्चन बनाने में मजा भी अलग आता था सर टफ अच्छा वाला, आपके वो A45 A42 एक पेपर है, फेमस पेपर है, वो भी मैंने ट्राई करके देखा। हाँ 62, 62 या हाँ 52। सर हाँ यस सर सर अच्छा। तो कितना स्कोर उसमें, 350 कितना, 400 कितना स्कोर रहा। उसमें 300 ही थे बस। 300 स्कोर था। तो अब जैसे जो बच्चे आएंगे अभी प्रिपेयर करेंगे 2023 के लिए, 2024 के लिए या 25 के लिए, तो आप उनको बिल्कुल बेस्ट टिप क्या देना चाहोगे कि आप अगर ये गलतियां ना करो, ठीक है। मतलब हम मोस्टली बच्चों से ये नहीं पूछते हैं कि क्या क्या फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि आप गलतियों से बच गए तो अच्छी चीज़ें तो अपने आप हो जाएंगी। तो बच्चे कौन सी गलती ना करें कि उनका सिलेक्शन जो है सिक्योर हो जाए, कि सिलेक्शन होना ही होना है अच्छी रैंक के साथ। सर मैं तो बस एक ही बात कहूंगा कि टेस्ट देते रहें और टेस्ट ज्यादा एनालिसिस पे फोकस करें, एनालिसिस पे। जितना ज्यादा एनालिसिस कीजिएगा उतना काम आए। अच्छा। एक डाउट, एक चीज़ और है यहाँ पर, जैसे जब आप टेस्ट देते होंगे तो आपको तुरंत उसका जो है वेबसाइट पे सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। जी तो वो कितना हेल्पफुल होता था कि तुरंत हमने एनालिसिस भी जल्दी से कर लिया, तो ये आपको हेल्पफुल कितना रहा। सर मैं हमेशा ये करता था कि टेस्ट देता था उसके आधा एक घंटा बाद एनालिसिस करता था, क्योंकि वो तो आधा घंटा एक घंटा तो कभी खुशी भी होती थी कभी तो दुखी भी होते थे, हाँ
फिर 1 घंटा बाद फिर अच्छे से एनालिसिस करते थे, जो क्वेश्चन हो भी गया उसको भी फिर से देखते थे, ये चेक करते थे कि मुझे ही टाइम नहीं लगा या शॉर्टकट से किसी और तरीके से किया जा सके, और जो छूट गया उसे तो देखना था ही। ओके तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई ऑल इंडिया रैंक 10 लाने के लिए, और अब जो है आप NIT त्रिची में एस्पायर का जलवा पूरा लहराएंगे, और जो आगे आने वाले बच्चे होंगे उनको भी आप गाइड करेंगे। और बहुत बहुत थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए, और जो बच्चे आगे आते रहेंगे वो आपके टच में रहेंगे, ठीक है, और उनको भी बताते रहना कैसे जो है आगे चल करके पढ़ाई करनी है। जरूर सर। ओके, थैंक यू सो मच।